क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। कौमी टीम के हेड कोच मिकियार्तर ने कहा है कि बाबर आजम समेत ज्यादातर खिलाड़ी अपनी कमाई का एक एक पैसा घर वालों को बेच देते हैं। मिकियार्तर का कहना है कि बाबर दुनिया के 5 इंतहाई बासलाहियत बैट्समैनों में से एक हैं। एक रात फैमिली डिनर में उनके वालिद ने मुख्तसर बातचीत में वाजह किया कि किस तरह बाबर ख़ानदान के लिए इज्जत और एहतराम का बाइस बने और वो उनसे कितना प्यार करते हैं। उस मौके पर उन्होंने बाबर को नई कार की चाबियां दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने बताया कि दरवाजे के बाहर एक नई सफ़ेद होंडा गाड़ी खड़ी हुई थी। बाबर ये गाड़ी पाकर काफ़ी खुश हुआ। दूसरी जानिब हमारे सामने क्रिसलिन हैं जो कभी एक टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे मगर ब्रिस्बेन में महंगी तरीन गाड़ी में घूमते हैं। मिकियार्तर ने कहा है कि मेरे अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़ास लगाव पैदा हो गया। मैं लाहौर में वक्त गुजारना पसंद करता हूँ। मैंने वहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आप इस वक्त तक माहिर कोच बन ही नहीं सकते जब तक किसी एशियाई टीम की कोचिंग ना कर ले और वहाँ पर अपनी आंखों से खेल के लिए जोश व खरोश ना देखे। तो दोस्तों, ये थी मिकियार्तर और बाबर आजम के हवाले से कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया दोस्तों, आपने तो वीडियो देख ली लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में घंटी के बटन पर भी लाजमी प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और वीडियो के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।